हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SS Academy। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आप लोगों तक पहुंचते रहती हैं, तो इस बार भी एक नए वीडियो और एक नए ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी, चाहे अध्ययन से संबंधित हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित हो या नए नए गवर्नमेंट जॉब के अवसर हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस हो, फुल सिलेक्शन प्रोसेस हो, ये सभी चीज़ें आप लोगों के सामने आती रहेगी। इसी श्रृंखला में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के सेट आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था। दो सेट मैंने पहले भी लाया था और उस सेट को काफ़ी अधिक लोकप्रियता भी मिला है, जिससे मैं उत्साहित हूं और उसी के माध्यम से मैं एक तीसरा सेट भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का लेकर आ रहा हूं। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यह जो है ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, नेत्र हार्ट हो, नवोदय हो, सबके लिए यह जो है बिहार पुलिस से लेकर सबके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जो हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी से इसको अपना नोट्स बना सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। यह है मेरा सेट 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है तो अभी बात करेंगे हम लोग कि क्या है इस सेट में। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी कैंडिडेट्स उसको देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फॉलो करके और मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह सेट जो 3 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, इसके बारे में। द आर्ट प्रैक्टिस बाय स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियंस, यह क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी राजनीतिज्ञ। अब बात करते हैं वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यदि आप सरकार के विरोध में हथियार उठा लेते हैं तो उसको कहा जाता है रिबेल, यानी कि विद्रोही। आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर एक्सपोर्ट, इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। आर्टिकल्स रिसीव्ड बाय कंट्री फ्रॉम द अदर इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट कहा जाता है। मर्डर ऑफ ओनसेल्फ, यदि कोई अपना हत्या कर ले तो उसको कहा जाता है सुसाइड। मर्डर ऑफ मैन, यदि किसी मनुष्य का कोई हत्या कर देता है तो उसको होमिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यदि किसी शिशु का कोई हत्या कर देता है तो उसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड। एनिमल विच गिव्स मिल्क, जितने भी जानवर दूध देते हैं उनको ममल्स कहा जाता है, यानी स्तनपाई कहा जाता है। ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम इपिक, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति यदि अपने ही बारे में खुद से ही लिखे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी आदमी का जीवनी जो किसी और के द्वारा लिखा जाए उसको बायोग्राफी कहा जाता है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवरेड बाय ए पर्सन, यदि कोई व्यक्ति अपना पहला भाषण देता है तो उस भाषण को मैडेन कहा जाता है। ए स्पीच डिलीवरेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, यदि कोई बिना किसी पूर्व तैयारी के डायरेक्ट स्टेज या कहीं भाषण देना शुरू करे उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक ऐसा दवा जिससे आपको निंद्रा की हालत में पहुंचाते हैं उसको नारकोटिक कहा जाता है, नशामान पदार्थ। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसको कहते हैं होनोररी। आगे आते हैं, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, कोई व्यक्ति जो कि
अपना कर्ज चुका न सके उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ए स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन, एक विद्यार्थी जो ऐसे ही दौड़ते रहे क्लास में उसको ट्रुएंट कहते हैं यानी उपद्रवी कहते हैं। द सम पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, यदि कोई व्यक्ति काम करता है उसको जो पैसा दिया जाता है उसको रिम्यूनरेशन कहते हैं यानी उसकी पारिश्रमिक कहते हैं। ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी मर्सिनरी कहा जाता है। तो यह था इस सेट 3 के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का लिस्ट। तो इस तरह यह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूजफुल है। इसको आप आसानी से एक नोट्स बना सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो इस तरह अनेक वीडियो भी आते रहेगा आप लोगों के सामने, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे उसका प्रोसेस हो, चाहे नए नए जॉब निकलने की जानकारियां हो उसका। तो इस तरह से अनेक वीडियो के लिए, अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए तथा जीके जीएस इन सब के संबंधित मटेरियल के लिए, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए, इन सब के लिए मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और स्नेह बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।